वेलकम टू व्हील्स सिंस 2020। बिफोर वी स्टार्ट प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑडी Q2 की। ये इसका फैसिलिट वर्जन है जिसे ग्लोबली रिवील कर दिया गया है और ये गाड़ी इंडिया में लॉन्च होने वाली है 2021 में। सबसे पहले गाड़ी के लुक की बात करें, ये गाड़ी का फ्रंट का लुक है, आप लोग देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, और ये रियर का लुक है। फ्रंट में आपको न्यू LED हेडलाइट डिज़ाइन देखने को मिल सकता है और ब्लैक स्पोर्टिंग ग्रिल दिया गया है। आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे और ये रियर का लुक है। रियर में काफ़ी सारे चेंजेस नहीं किए गए हैं, काफ़ी हद तक ये सिमिलर है पिछले मॉडल से। रियर में भी आपको रियर LED लाइट एंड रियर पार्किंग सेंसर विद पार्क असिस्ट फीचर दिया गया है। गाड़ी की बात करें, गाड़ी 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल एंड 1.8 लीटर डीजल इंजन के साथ अवेलेबल रहेगा। सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ये गाड़ी अवेलेबल रहेगी। BS6 इंजन दोनों हो गए। ये दोनों ही इंजन हमें ऑडी के A3 में देखने को मिलती है। सेम इंजन रहेगी इसी गाड़ी में। जो पेट्रोल इंजन है वो 1400 cc का रहेगा, जिसकी हॉर्स पावर लगभग 150 हॉर्स पावर आपको प्रोवाइड करेगा और जिसकी माइलेज होगी 17 के आसपास। ये गाड़ी का इंटीरियर है, इंटीरियर में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। आपको नया इन्फोटेनमेंट स्क्रीन देखने को मिलेगा, ये 18 इंच का इन्फोटेनमेंट स्क्रीन है। आपको बहुत सारी जगह पर एम्बिएंट लाइटिंग देखने को मिलती है, तकरीबन 8 कलर ऑप्शन में रहता है। सेंटर में आपको MMI को कंट्रोल करने के लिए दिया गया है, आप लोग देखते हैं, और ये आपका टच स्क्रीन की तरह काम करता है। डैशबोर्ड पर आप लोग देखते हैं आपको एम्बिएंट लाइटिंग दिया गया है और आपको क्वाट्रो की बैजिंग भी मिलेगी अगर आप टॉप मॉडल लेते हैं तो। और इंटीरियर में बहुत सारे कॉस्मेटिक चेंज किए गए जिसे गाड़ी कम्प्लीटली रिवील होने के बाद पता चल सकता है। दोस्तों, इसका SQ2 मॉडल जो कि एक टॉप मॉडल रहेगा, जिसकी हॉर्स पावर 300 हॉर्स पावर के आसपास रहेगी, आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यह अभी भी टेस्टिंग किया जा रहा है, इसे रिवील नहीं किया गया है, पर इसे भी हम इसी महीने एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के लॉन्च डेट की इंडिया में। ये गाड़ी 2021 में इंडिया में लॉन्च होगी और अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको बेस मॉडल जो आपको 25 लाख से शुरू होगा और टॉप मॉडल की प्राइसिंग लगभग 32 से 35 लाख के आसपास होगी। ये गाड़ी का एक्सोरूम प्राइस है। इस गाड़ी के कॉम्पिटिटर जो है इंडियन मार्केट में वो है हुंडई टक्सन, जीप कंपस, MG हेक्टर, स्कोडा कारॉक, वॉल्सवैगन टीरोक, होंडा CRV, टाटा हैरियर। पर कंफर्ट और फीचर की बात करें, ये गाड़ी उन सबसे काफ़ी ज़्यादा आगे रहेगी। तो बताएं दोस्तों कमेंट में, ये गाड़ी आपको कैसी लगी।